साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला, सीनियर सहाफी ने तहलका खेज खबर दे दी। सीनियर सहाफी असदतूर ने दावा किया है कि साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया गया है। उन पर करप्शन, दहशतगर्दी, फौज में बगावत की कोशिश और सियासत में मुदाखलत जैसे इल्जाम हैं। सीनियर सहाफी असदतूर का कहना है कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाएगा या सिविलियन अथॉरिटी के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा, ये फैसला होना बाकी है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। सीनियर सहाफी ने कहा कि वजीर आजम हाउस से ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाला जो शख्स पकड़ा गया वो भी जनरल फैज के साथ रबते में था और 25 मार्च के लॉन्ग मार्च को भी जनरल फैज हमीद की सपोर्ट हासिल थी, ये भी उन पर चार्जशीट है कि ये सब कुछ उन्होंने किया। असदतूर ने कहा कि फौज में एक निजाम होता है, फैज हमीद अकेले नहीं थे, उन्होंने बाजवा डॉक्ट्राइन को एक एग्जेक्टिव किया। फैज हमीद अगला आर्मी चीफ बनने के लिए अपने रोल से बाहर निकल चुके थे। कमर जावेद बाजवा को भी इस साथ चार्ज किया जाना चाहिए, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून भी कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेती। अगर कोई डील नहीं हुई तो मरियम नवाज उनका नाम क्यों नहीं ले रही? माजी में तो लिया जाता रहा।